हेलो दोस्तों, मैं बबलू और आप देख रहे हैं जाट मशीन। आज हम बात करने वाले हैं राइस मिल में लगने वाले जाले के बारे में, जो आपको बहुत ही प्रॉब्लम करता है और बार बार वो फट जाता है। तो आज हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको सालों साल तक एक जाली से वर्क कर सकते हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं जो कौन सा ट्रिक करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए, ये हमारा जाली है जो कितना बर्बाद हो चुका है। एक ही सीजन में हमारा ये जाली सब बर्बाद हो चुका है। तो आपको आज हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जो एक बार ये ट्रिक करने के बाद आपको एक सीजन में सिर्फ एक जाली यानी कि एक जोड़ा यूज करेंगे तो ही चलेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं चलेगा। तो आपको हम दिखाएंगे कि किसे इसको ट्रिक को फॉलो करना है। तो देख लीजिए, हमारा ये सब जाली जो है एक ही सीजन में ये फट जाता है। ये भी आप देख लीजिए कि इतना बर्बाद हो चुका है जाली, जो गुंडा के बावजूद ये धान का कंद गिरने लगता है और चावल अंदर से निकलने लगता है। आप देख लीजिए कितना सारा जाली हमारे पास है जो कि वेस्टेज है। सब ये वेस्टेज जाली है जो सब ये बिना अब इस ये फट चुका है, अब ये यूज लायक नहीं बचा है। अब देख लीजिए, सब में दोनों तरफ दोनों साइड में हम यूज करके अब ये यूज होने लायक नहीं बचा है। तो आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे गाइज। तो हमारे चैनल पर अभी तक नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा राइस मिल संबंधित तो हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा। ये जाली देख लीजिए, ये नया जाली है जो अभी मार्केट से लाए, जो RCM कंपनी का ये जाली है जो कि बहुत अच्छा होता है। अदर नहीं तो ये कस्तूरी कंपनी का था, वो भी बहुत ही बेस्ट जाली होता है राइस मिल के लिए। मेड इन इंडियन कंपनी है ये। आपको हम दिखाएंगे कौन सा ट्रिक आपको अपनाना, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए गाइज, ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये एक भी जो फिक्स रहता है अंदर में ये, और ऊपर जो रनिंग करता है वो वाला, दोनों के बीच में आपको 3 से 4 mm गैप देना है। आप देख लीजिए, अभी हम आपके यहाँ कोई भी वेस्टेज जो कि आपको फीता होगा जो कि लगा रहता है आपको राइस मिल में, वो उसको काट करके इसके अंदर में गैप जो बना है उस गैप में आपको अंदर से थोड़ा सा नट बोल्ट को ढीला करके लगा देना है, ताकि हमारा ये ऊपर जो लगा है साफ जो कि आप जिसमें जाली लगा रहता है उसको 5 से 7 mm गैप देना है, और हमारा जाली जो है ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा और सेल जो है नीचे ऊपर उठने के बावजूद हमारा गैप जो है 5 mm के बीच जो गैप रहना चाहिए, आप देख लीजिए वो सिर्फ इस बीच में आपको गैप देना है, और आप इस तरह यूज करके उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जाली और सेल के बीच में डिस्टेंस रहना ज़रूरी है, ताकि जब भी आप कुटाई करेंगे तो वो जाली के सहारे कुटाई नहीं होता है, क्योंकि सेल और जिसमें ब्लेड लगा होता है छुरी ब्लेड हो उसी के सहारे धान का जो चावल बनता है उसी से बनता है, बल्कि जाली से नहीं। तो इसीलिए आप जाली में डिस्टेंस देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इस अंदर में होलर के अंदर में, और आपका जाली सालों साल तक चलेगा एक बार लगाने के बाद। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद गाइज, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।